You are Irfan. Yes, sir. Okay, Irfan ji, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Thank you for giving my opportunity. My name is Mohammad Irfan Ahmed. I am from Patna, Bihar. I have done BITech in mechanical engineering from Patna. I had internship 1 month in Tata Motors, and I am sales motivated and student, so I am always need to upskill myself whenever I get a chance. Thank you. Okay. और होम टाउन आपका कहाँ पे है? पटना. पटना में है. Yes. एंड आप अभी कहाँ रहते हैं? अभी मैं जामिया नगर दिल्ली में. जामिया नगर दिल्ली में रहते हैं. Yes. Right. So बीटेक आपका कब कंप्लीट हुआ? 2021. 2021 में आप पास आउट हैं. Yes. 2021 से लेके अभी तक का आपका जर्नी क्या रहा है? सर मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे. Yes. तो उसमें अभी गेट का नहीं हुआ आपका? इससे क्वालिफाई नहीं हुआ. ठीक है. कितने अटेम्प्ट दिए आपने गेट के लिए? सर मैंने 1 अटेम्प्ट दिया. ठीक है. अभी आप मुझे बताएं, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का लिए लिखा हुआ है सोलर ट्रैकिंग सोलर पैनल. Yes. ये क्या होता है? सर ये बेसिकली जहाँ सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा उसी डायरेक्शन वो पैनल यूज कर जाएगा. एलडीआर उसमें यूज किया है और इंटेंसिटी वो देखता है सनलाइट का ज्यादा जहाँ मैक्सिमम उसी तरह से वो पैनल का मूव कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म. सर उसमें मैंने सर्वो मोटर यूज किया, आर्डिनो यूज किया, और वो जैसे एलडीआर पर लाइट फोकस करता है इंटेंसिटी तो ऑटोमेटिकली सेंस कर देता है और कमांड आर्डिनो को दे देता है, उसके अकॉर्डिंग फेसिंग कर देता है. अच्छा ठीक है. तो ये प्रोजेक्ट कहाँ बनाया? मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया था सीएसआई इवेंट में. सीएसआई में वहाँ पे बनाया सर. ठीक है. ओके. तो आते हैं आपके सॉफ्टवेयर पे. तो आरवीएम कैड में आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखे हैं? सॉलिडवर्क्स एंड ऑटोकैड. सॉलिडवर्क्स सीखा है. सॉलिडवर्क्स कौन सा वर्जन सीखा आपने? 2021 वर्जन सीखा है यहाँ पे. ऑटोकैड में 2021 ये भी. एंड कैटिया B5. कैटिया में और सॉलिडवर्क्स में क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दोनों सेम ही काम करते हैं या कुछ अलग अलग सॉल्व करते हैं? सर पहले सॉलिडवर्क्स डसॉल्ट सिस्टम ने बनाया और कैटिया भी दोनों ही डसॉल्ट सिस्टम पे ही है, और बेसिकली वो शीट मेटल पे कैटिया ज्यादा वर्क करते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पे ज्यादा यूज होता है सॉलिड कैटिया का. अच्छा. शीट मेटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो कैटिया यूज करती है शीट मेटल के लिए ज्यादा. ठीक है. और सरफेसिंग हो गया. और जैसे सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स इजी टू अप्लाई है, और ये इसमें जैसे इसमें 3D मॉडलिंग भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना कैटिया में. इसमें इजी है, यानी कि सॉलिडवर्क्स जो है वो चलाने में आसान है एज कंपेयर टू कैटिया. यूजर फ्रेंडली. अच्छा है. यूजर फ्रेंडली. ओके. तो आप मुझे ये बताएं कि टॉलरेंस क्या होती है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएं. सर टॉलरेंस होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन कितना हम दे सकते हैं किसी भी मेटिंग पार्ट्स में. जो भी मेटिंग पार्ट हुआ, होल एंड शाफ्ट हुआ, या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट, उसको देखेंगे क्या हुआ मेटिंग पार्ट में, कैसा है, क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके. एक टर्म होती है बॉम, बहुत कॉमनली हम लोग इंजीनियरिंग में यूज करते हैं. Yes, क्या होता है बॉम, क्या होता है? सर उसके जितना भी पार्ट्स होते हैं उसका हम सारा लिस्ट बनाते हैं. क्या वो पार्ट्स जैसे नंबरिंग में प्रोवाइड कर देते हैं, और वो पार्ट्स किस मटेरियल का बना हुआ है, कहाँ पर असेंबल हुआ है वो चीज से, वो चीज का और डिजाइन किसने क्या है, वो सब लिस्ट बनाते हैं. अच्छा. तो आपको बॉम बनाना आता है? यस सर आता है. कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? कैटिया में, सॉलिडवर्क्स में बना देते हैं. सॉलिडवर्क्स में बॉम आता है बनाने. ओके. पीसीडी क्या होता है? पिच सर्कल डायर. क्या होता है ये पिच सर्कल डायर? ऑटोमोस्ट डायर का साइज, कोई शाफ्ट होगा उसका पिच सर्कल डायर. गियरिंग भी यूज करते तो लॉ ऑफ गियरिंग में यूज होता पिच सर्कल डायर, जो कि इसके पिच सर्कल कितना भी डायर होगा, जैसे ऑटोमोस्ट डायर होता है और सॉरी पिच सर्कल डायर होता है. अच्छा नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहा. ये पीसीडी नहीं है. कुछ आपको हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज है? क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो इनके? हाइड्रोलिक्स जैसे कि जेसीबी एक्सट्रूजन हो गया, उस पर काम करते हैं. जेसीबी में हाइड्रोलिक्स कहाँ यूज होता है, किस जगह यूज होता है? और जो उसका आर्म होता है, आर्म को कंट्रोल करने में यूज होता है उसका. जो भी एक्सट्रूजन करते हैं उसके आर्म उसी का यूज करते हैं, जेसीबी का यूज करते हैं। एक्सट्रूजन भी एक्सकेवेशन एक्सट्रूजन आता है, ठीक है। और न्यूमेटिक कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? न्यूमेटिक कोई भी एक्चुएटर्स हो गया, लीनियर एक्चुएटर्स, वो समय न्यूमेटिक से यूज कर सकते हैं। लीनियर एक्चुएटर जो भी होते हैं वो न्यूमेटिक पे ही काम करते हैं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, लीनियर एक्चुएटर न्यूमेटिक भी होते हैं, हाइड्रोलिक भी होते हैं और इलेक्ट्रिक भी होते हैं, तीनों तरीके के होते हैं। ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ज्यादा तो हम लोग इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक यूज करते हैं, जहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, कम फोर्स चाहिए तो हम लोग वहाँ पे न्यूमेटिक यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक भी यूज करते हैं, बट अलग से एप्लीकेशन होती है। मेडिकल लाइन हो गई, जहाँ पे हमारे पास ना तो कोई एयर का सोर्स है, ना ही हमारे पास कोई हाइड्रोलिक का सोर्स है, इसमें बहुत डेलिकेट मशीन, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। आजकल कार में आपने देखा हो कि बटन दबाते सीट अपने आप पीछे हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक होता है, ऐसा होता है। ओके, जिग और फिक्सचर में क्या डिफरेंस है? तो जिग और फिक्सचर दोनों ही वो टूल ये वर्कपीस को होल्ड करने के काम आता है। बेसिकली जिग में क्या होता है कि सर वो गाइड किया जाता है, कहाँ पे टूल गाइड किया जाता है उसको। यहाँ पे अगर कुछ ड्रिलिंग करना है वो गाइड देगा, इस तरह से ड्रिलिंग करना है या तो मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है वो। फिक्सचर वो टेबल में फिक्स होता है, वो सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करने का। वर्कपीस को होल्ड करते हैं तो वो फिक्सचर है, टूल को गाइड करते हैं तो वो जिग है। आपने कभी एप्लीकेशन देखी है इसकी जिग और फिक्सचर की? कहीं पे देखी नहीं, यूट्यूब पर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, ठीक है। देखिए, जॉब कर रहे हैं आप? नो सर, जॉब नहीं कर रहे हैं। कोर्स कब कंप्लीट हुआ आपका यहाँ से? सर दिसंबर में कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। दिसंबर के बाद आप क्या कर रहे हैं? सही मॉडल बना रहा हूँ। मशीन्स की कुछ नॉलेज है, क्योंकि यहाँ तो आपके आरवीएम में सीएनसी मशीन भी है, पीएमसी मशीन भी है, सेटअप बहुत अच्छा है यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे आपने कुछ एक्सपोजर था आपके मशीन? नहीं सर, मशीन मैंने कॉलेज में लेथ ही मशीन यूज किया था। लेथ मशीन चलाई है? यस सर, टर्निंग ऑप्शन किया गया। आपने कितने टिपिकल डिजाइन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखे हैं सॉलिडवर्क्स में? बेंच वाइज असेंबली हो गया, मैंने बनाया गियर असेंबली भी बनाया, कंप्रेसर बनाया, गियर कंप्रेसर यूज कर, और मैंने भी पेन खुद से पेन पर डिजाइन किया है, मेरे पास पेन था उसी को डिजाइनिंग किया मैंने। अच्छा, तो वाइज जो आपने बनाया, वाइज का एक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो मुझे बताओ? कौन सा वाइज बनाया? मशीन वाइज? नहीं, बेंच वाइज। बेंच वाइज बनाया। बेंच वाइज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें कौन सा स्क्रू होता है और क्या उसमें? लीड स्क्रू होता है। कौन सी थ्रेड होती है लीड स्क्रू के अंदर? एक्मे थ्रेड होती है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्कपीस को होल्ड करने की। आपने इसकी कुछ सिमुलेशन वगैरह करके देखी है? असेंबली की है, और उसमें मैंने एनिमेशन किया है। yes. जैसे आपका वाइस है, आपने उसको रोटेट किया, रोटेट करने पे कितनी रोटेशन पे कितने mm आगे जाएगा, ये आप पैरामीटर कैसे डिसाइड करते हैं? उसमें सर वो में एक डिस्टेंस करके आता है, कितना डिस्टेंस मूव करना है वो। अच्छा, मेट में आता है, सॉलिडवर्क्स की मेट एप्लीकेशन में आता है डिस्टेंस, तो मैं वो डिस्टेंस डाल देता हूँ तो उससे हो जाता है। ओके, एनिमेशन आपने मतलब यहाँ पे यूज करी है? यस, एनिमेशन मैंने यूज। और रेंडर क्या होता है? एक टर्म बहुत आजकल हम लोग देखते हैं, रेंडरिंग क्या होता है? मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। रेंडरिंग टूल होता है, मैंने भी आइडिया नहीं सुना है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ अपने स्किल्स और लिखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, एंड रोबो वॉर। ये रोबो वॉर क्या है? रोबो वॉर सर वो बेसिकली बोट टाइप का एक रोबोट था जो कि फाइटिंग में काम आता है, जो दो रोबोट टाइप का फाइट करते हैं आपस में, एक कार टॉय कार की तरह होता है। अच्छा, ओके, राइट। इस बार बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंटरव्यू लेके। ओके, ठीक है, आपको कॉल आई है कंपनी से, ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक्स।